गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट नंबर पैटर्न. नंबर पैटर्न है क्या? इट इज़ जनरली अ ग्रुप ऑफ नंबर्स रिटन इन अ पर्टिकुलर पैटर्न. सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20, 25 एंड हैव टू फाइंड द फर्दर नंबर्स. द फर्स्ट एग्जाम्पल 5, 10, 15, 20, 25 एंड आई हैव टू फाइंड द फर्दर ब्लैंक्स. यहाँ पे देखिए हर नंबर्स के बीच गैप है, गैपिंग किया हुआ है. अगर 5 में अगर 5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 10 आता है. 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15, 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20, 20 में अगर 5 ऐड करेंगे तो 25. फिर नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 25 में अगर 5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 30 आएगा. फिर नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 30 में 5 ऐड करेंगे तो 35. फिर से नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 35 में 5 ऐड करेंगे तो 40. ये जो सेट ऑफ नंबर्स है ये पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है. तो अगर एक पर्टिकुलर रूल और या पैटर्न फॉलो होता है तो दे आर सेट टू बी नंबर पैटर्न. नाउ आई एम टेकिंग द सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज 6, 12, 18, 24, 30 एंड आई हैव टू फाइंड द फर्दर ब्लैंक्स. 6, 12, 18, 24, 30 एंड फर्दर ब्लैंक्स. यहाँ पे भी नंबर्स के बीच बीच में गैपिंग किया हुआ है. 6 में अगर 6 ऐड करेंगे तो 12. यहाँ पे 6 नंबर्स का गैप है. 12 में 6 ऐड करेंगे तो 18. 18 में 6 ऐड करेंगे तो 24. 24 में 6 ऐड करेंगे तो 30. 30 में 6 ऐड करेंगे तो 36. फिर नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 36 में 6 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 42. फिर नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए 42 में 6 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 48. यहाँ भी दिस सेट ऑफ नंबर्स इज फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पैटर्न. सो दे आर सेट टू बी नंबर पैटर्न. नाउ द थर्ड एग्जाम्पल 1, 3, 9, 27, 81, 243 एंड आई हैव टू फाइंड द फर्दर नंबर. 1, 3, 9, 27, 81, 243 एंड आई हैव टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर. यहाँ पे गैपिंग बहुत ज़्यादा है. 1 और 3 के बीच सिर्फ एक नंबर का गैप, 3 और 9 के बीच बहुत ज़्यादा गैपिंग हो जा रहा है. मतलब ये एडिशन का रूल नहीं है, इसमें हम लोग दूसरा कुछ रूल यूज़ करेंगे. अगर सपोज अगर 1 में 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 3 आता है. फिर 3 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 9 आता है. 9 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 27 आएगा. 27 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा. 81 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा. 243 में मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट नंबर होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 729. ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ऐड ही हो, यहाँ पे ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल 100, 91, 82, 73 एंड 2 blanks. ये जो नंबर है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब ये इसमें तो हम लोग ऐड कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता, डिवाइड भी नहीं हो सकता. सी द फोर्थ एग्जाम्पल 100, 91, 82, 73 एंड 2 blanks. यहाँ पे ना ही एडिशन का रूल फॉलो हो रहा है, ना ही मल्टीप्लीकेशन का, ना ही डिविजन का. तो इसमें हम लोग अब सब्ट्रैक्ट रूल देखते हैं. 100 में अगर 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमारा 91 आता है. 91 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 82. 82 में 9 सब्ट्रैक्ट तो 73. 73 में भी 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 64. 64 में भी 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 55. ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हो, यहाँ पे दूसरे रूल भी फॉलो होते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज 5th one. ये थोड़ा अलग पैटर्न है. दैट इज 2, 9, 7, 14, 12 further. ये ज़रूरी नहीं कि जो सीरीज हो उसमें सिर्फ एक ही पैटर्न लगे. हो सकता है जो नंबर ऑड प्लेस पे है, जैसे 2, 7, 12 ये ऑड प्लेस पे है, 9, 14 ये इवन प्लेस पे है. इसमें पैटर्न देखिए, जो ऑड प्लेस पे है एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है. जैसे 2 और 7, 2 में 5 ऐड करेंगे तो 7 आता है. 7 के बाद ये 12 ऑड प्लेस पे है, 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 आएगा. फिर नेक्स्ट ऑड प्लेस निकालने के लिए 12 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 17 आ जाएगा. इवन प्लेस में देखिए, जैसे कि 9 और 14, 9 में भी 5 ऐड करेंगे
तो मेरा आंसर 14 आएगा। नेक्स्ट इवन प्लेस निकालने के लिए जैसे 14 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 19 आएगा। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। 88, 44 एंड द फर्दर ब्लैंक्स। यहाँ पे ऑड प्लेस देखिए दैट इज 80 और 40। यहाँ पे 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 40 आएगा। फिर नेक्स्ट ऑड प्लेस निकालने के लिए जो कि ये वाला है, 40 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 20 आ जाएगा। इवन प्लेस में देखिए दैट इज 8 और 4 में, 8 में 4 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा। फिर नेक्स्ट इवन प्लेस निकालने के लिए 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ही हो, यहाँ पे अलग अलग पैटर्न्स भी यूज़ होते हैं। ऑड इवन का प्लेस यूज़ होता है, बहुत अलग अलग पैटर्न्स यूज़ होते हैं। सो ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चंस नाइसली। थैंक यू।